अस्सलामुअलैकुम। तो आज मैं आया हुआ था बैंक। अभी घर वालों की कॉल आई थी कि भाई आते आते ना आपने फ्रूट लेके आना, कुछ मैंगोज लेने हैं और कुछ आलू बुखारा कर लेंगे। तो उसके साथ साथ वो कह रहे हैं जी मैंने बिरयानी खानी है, तो कोई कह रहा है मैंने कुछ खाना। तो अभी जो जो वो कह रहे हैं उनकी डिमांड पूरी की जाएगी, चलते हैं आप शॉपिंग करते हैं। ये यहाँ पर बन रही है जी छली, छली को भुना जा रहा है जो मकई होती है। अभी इस वक्त फाटक पे जा रहा हूँ, यहाँ पर कंस्ट्रक्शन का काम बड़ी तेज़ी से जारी है, कंस्ट्रक्शन हो रही है यहाँ पर, नाले वगैरह बन रहे हैं ये साइड पे। इसी रोड पे हमारे डिस्ट्रिक्ट का जो पासपोर्ट ऑफिस है वो मौजूद है, जहाँ से लोग अपने पासपोर्ट के लिए अप्लाई करते हैं ओवरसीज़ जाने के लिए। और यहाँ से रोड जाता है जसर बाईपास को, तो अभी मैं जाऊँगा जी जसर बाईपास और वहाँ से बाय करूँगा बिरयानी वगैरह और फ्रूट जो है ना वो मैं ज़फरवाल बाईपास से बाय करूँगा। तो ये कंफर्म करना पड़ेगा कि बिरयानी भाई सबसे अच्छी किसकी है। अभी मैं रिक्शे में बैठ गया हूँ और जा रहा हूँ जसर बाईपास, इसको रहते हैं जी सर्कुलर रोड नाजी ऑफ नारोवाल, यहाँ पर जिसकी बसेज खड़ी हैं और ये इसकी मेन बिल्डिंग है यूनिवर्सिटी ऑफ नारोवाल की, ये इसका गेट है। जसर बाईपास में हूँ और यहाँ से मैंने कंफर्म किया बिरयानी कौन सी अच्छी है, तो वो बता रहे हैं कि भाई मून ग्रिल से भी अच्छी है सिटी वालों। जसर बाईपास का व्यू जो है यहाँ पे बना हुआ है उन्होंने, वो बड़ा सा बैच बनाया हुआ है, पता नहीं क्या है ये जसर बाईपास है। और वो सामने जी एरोप्लेन है, ये देखें ये एरोप्लेन है ये जसर बाईपास के अंदर। जी मैं आपको दिखा रहा था भाई जसर बाईपास, तो चले बिरयानी भी तो लेनी है, हम बिरयानी लेते हैं जाके। सामने जी मून ग्रिल की शॉप, तो अभी एक बार और किसी से कंफर्म कर लेते हैं कि बिरयानी कौन सी अच्छी। और शॉप से कंफर्म किया है लेकिन वो बता रहे हैं कि सिटी होटल से लें, आ जाता है सिटी रेस्टोरेंट, यहाँ से देखते हैं जाके अपना वो बिरयानी वगैरह का क्या सेटअप है, तो वो बाय करते हैं यहाँ से। ऑर्डर तो मैंने दे दिया लेकिन अब वेट करूँगा कब तक आ जाता मेरा ऑर्डर, तो फिर ले कर चलते हैं घर की तरफ। ये देखें जी यहाँ पे सिटी होटल में रश देखें कैसे आवाम, और ये इसका काउंटर है। तो वेट चल रहा है यहाँ पे जी, पता नहीं कितना वेट करवाते हैं ये, लेकिन चलें कोई नहीं वेट कर लेते हैं। जी आपके ब्रो का ऑर्डर, ये बिरयानी है और ये रोटी है और उसका सालन है, तो चले लेके चलते हैं। चलें जी एक तो पैकेज हो गया रेडी बिरयानी और रोटियों वाला, और अब ढूंढते हैं जी फल पे अच्छा सा मैंगो, और देखना है उसके अलावा आलू बुखारा वो लेते हैं। सर बाईपास में सिर्फ दो ही शॉप हैं, एक ये है और एक ये है फ्रूट की, देखते हैं अगर यहाँ से फ्रूट अच्छा मिल जाता है, वरना ज़फरवाल बाईपास से लेंगे। फ्रूट की शॉप है और यहाँ से मैंने मैंगो वगैरह देखे हैं और आलू बुखारा वो देखे हैं, लेकिन अभी कन्फर्म नहीं हो रहा कि कौन से मैंगो लिए जाएँ, जूस वाले के और जो हैं और काफ़ी सारे नाम होते हैं लंगड़ा दशहरी ये वो देख लेते हैं। ये रेडी पे इनसे पूछते हैं जी मैंगो का क्या रेट है, ये मैंगो लगे हुए हैं ये बनाना है। हाँ जी चाचा जी किस रहे किलो अम्ब, अम्ब 200 रुपये किलो है, 150 रुपये किलो है। अच्छे वाला केड़ा जे दशहरी जी से मेरा रेट हो गया और आम भी पसंद आ गया, घर मैंने कॉल करके पूछा था, वो कह रहे थे कि भाई आप चौंसा ले आए, तो अभी ये चाचा जी चौंसा आम कर रहे हैं, ये चाचा जी ढूंढ ढूंढ के निकाल रहे हैं यहाँ से चौंसा मैंगो, ये 2 किलो हो गए। अभी जी मैंने ये मैंगोज भी ले रही हैं और चलते हैं उस साइड पे और जाके रिक्शा लेते हैं और चलते हैं घर की तरफ। सिर्फ एक चीज़ रह गई है और वो है आलू बुखारा लेने वाला, वो लेते हैं। रिक्शे पे मैं बैठ गया हूँ और ये सामान और मैंगोज वगैरह मैंने यहाँ पर रिक्शे पर रखा। ये है जी ज़फरवाल बाईपास, ये आप देख रहे होंगे। इस वक्त मेरे ऊपर जो है ना वो लोड काफ़ी ज़्यादा हो गया, आलू बुखारा भी बाय करना है मैंने, वो भी देखते हैं जहाँ से अच्छा मिलेगा वो बाय करते हैं। ये सामने एक शॉप तो है, यहाँ से देखते हैं आलू बुखारा अगर पसंद आ गया तो यहाँ से आलू बुखारा बाय करेंगे और जल्दी से अपना काम फिनिश करेंगे। ये देखें न्यू एप्पल भी आ गया यहाँ पर और ये फ्रूट्स हैं। आलू बुखारा काफ़ी महंगा है, 300 इसकी प्राइस बता रहे हैं, लेकिन मैंने लेके जाना है तो अभी यहाँ से बाय करेंगे आलू बुखारे को। मैंने आलू बुखारा भी बाय कर लिया, ये देखें ये आलू बुखारा है, ये मैंने बाय कर लिया है। बुखारा भी मेरा मिल गया, मुझे सारा सामान मिल गया, तो अभी चलते हैं घर की तरफ। और ये काफ़ी वज़नी हो गया हुआ है जिसकी वजह से मेरे हैंड में पेन हो रही है, तो जल्दी जल्दी से घर पहुंचते हैं। चलें जी।